वेलकम फैमिली। सो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था, आज हम पिक अ कार्ड कर रहे हैं और आपके पार्टनर के अल्फ़ाबेट्स के साथ कर रहे हैं। सो दिस रीडिंग इज़ अबाउट कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए, अभी वो क्या सोच रहे हैं और रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा। सो ये बहुत ही प्यारा सा डेक है आज मेरे पास, और मुझे बहुत सारे जो अक्रॉस वर्ल्ड टैरो रीडर्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, उन सब ने बोला था कि मुझे ये डेक यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत ही एक्यूरेट और सही आंसर्स मिलते हैं। सो फाइनली मैंने ऑर्डर किया और आज मेरे पास ये डेक आई है, तो आज हम इसे यूज़ करेंगे और रीडिंग के एंड में रिकन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, जब उसका एग्जैक्ट आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऑल्सो फैमिली, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पर मैं शुगर कोट नहीं कर पाऊँगी चीज़ें। तो अगर आप कुछ बातें सुनते हैं और आपको लगता है कि ये बातें आपके लिए सच नहीं हैं, या आपके पर्सन ऐसे नहीं हैं, या जो भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो वो मैसेजेस को छोड़ दीजिए आप। वैसे भी यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर स्टोरी नहीं होने वाली है, बीच बीच में आपको मैसेजेस पे ध्यान देना है क्योंकि इतने सारे लोग देखते हैं, हर किसी की स्टोरी अलग होती है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि मैसेज आपके लिए नहीं है, तो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। इट्स वेरी सिंपल, ओके। सो और ऑब्वियसली ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आप रेजोनेट करें, हो सकता है आप रेजोनेट ना करें। सो जो ग्रुप वन है वो है ए एन सी एन ई एन जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई, ओके। और जो ग्रुप टू है, दिस इज़ बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जी, ओके। सो अपना ग्रुप फटाक से चूज़ कर लीजिए एंड हम शुरू करते हैं ग्रुप वन से। सो वेलकम वेलकम ग्रुप वन। आज मैंने अपना सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, तो हो सकता है कुछ मिस अलाइनमेंट आपको फील हो, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि कैसा लगने वाला है। सो जस्ट लेट्स गो। सो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं आपकी तरफ, वो क्या फील कर रहे हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप वन, मुझे यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गार्डेड लग रहे हैं आपकी तरफ। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो ओपन हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, ऐसी कोई भी एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मुझे बहुत ही क्लोज्ड ऑफ लग रहे हैं, आपसे ओपन अप नहीं हो रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं बता रहे हैं एंड ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। और मुझे आप भी यहाँ पे कंफ्यूज लग रहे हैं कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली आपके पर्सन की लाइफ में चल क्या रहा है। और ऐसा लग रहा है कि किसी कुछ भी रीज़न हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रीज़न की वजह से आपके जो पर्सन हैं वो परेशान हो गए इस रिलेशनशिप से, या फिर आपका जो भी कनेक्शन है उससे, और आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं। डू रिमेंबर एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है जब मैं आपके पर्सन की बात करूं तो वो एक्चुअली आपके बारे में हो। ऐसा लग रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप में रहने से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे आप लोगों के, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े होंगे, और बहुत सारी चीज़ें गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, तो इसीलिए वो एक सेफ़ डिस्टेंस आपसे बना के रखना चाहते हैं। और उनके क्या मोटिव्स हैं, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, हम आगे देखेंगे, बट अभी वो मुझे बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है शायद, मतलब मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि अभी ये बिल्कुल भी कमिंग कमिंग डेज में, कमिंग मंथ में ये इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप में। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई हो और उनको ऐसा लग रहा हो, अगर वो मैरिड हैं
आई एम सॉरी सबके लिए नहीं है। सो अगर वो मैरिड हैं तो उनको ये लग रहा हो कि अगर आपके साथ वो बात करेंगे, आपके साथ वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, तो उनकी मैरिड लाइफ में यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे वो कोई चीज़ बचाना चाहते हैं आपसे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको स्टक करके भी रखा हुआ है, आप बहुत ही स्टक एनर्जी में हैं। तो एक ये भी चीज़ मुझे लग रही है कि अगर उन्होंने आपको क्लियरली बताया नहीं है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में रहना है या इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो उन्होंने आपको स्टक करके रखा हुआ है, क्लियर आपको आंसर नहीं दे रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट अ राइट थिंग। और मुझे एक चीज़ और लग रही है कि उनका जो परसेप्शन है इस रिलेशनशिप को लेके, वो विद टाइम चेंज हुआ है। तो हो सकता है कि पहले उन्होंने जो रिलेशनशिप शुरू किया था तो उन्होंने कुछ और चीज़ सोच के शुरू किया था, पर वो जो बेनिफिट्स हैं वो बेनिफिट्स उनको नहीं मिले इस रिलेशनशिप में, तो अब फिर वो आपसे दूर जाने लग गए। यहाँ पे एक चीज़ ये भी हो सकती है कि हो सकता है कि उनका कोई पर्सनल गेन हो जिसके कारण वो आपके पास आए हों, जैसे हो सकता है कुछ कुछ फिज़िकल गेन के लिए आए हों, और you know, कुछ ऐसे उनके इंटेंशन हों, बट आपने शायद फिर डिसअग्री कर दिया तो वो उन्होंने आप में इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आपने किसी चीज़ को करने के लिए डिनाई किया है और उसके बाद उनका जो परसेप्शन है आपको लेके वो चेंज हुआ है। हो सकता है वो आपसे फिज़िकल रिलेशन रखना चाहते हो और आपने उसके लिए मना कर दिया हो। तो यहाँ पे बहुत बड़े मुझे बड़ा वो मुझे चांस यहाँ पे दिख रहा है कि इसी कारण वो थोड़े पीछे हट गए। और अगर इस कारण कोई पीछे हटा है तो ये आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई आपके साथ सिर्फ अपने पर्सनल गेन के लिए रहना चाहता है, ना कि इसीलिए रहना चाहता है कि आपके लिए उनके दिल में कोई फीलिंग्स हैं, तो इस ऐसे रिलेशनशिप का मुझे लगता नहीं है कि कोई फ़ायदा है। यहाँ पे मुझे और भी कुछ चीज़ें लग रही हैं। ये है ना, अगर इन्होंने आपको सही सही बताया नहीं है कि ये क्या चाहते हैं, तो ये आपको बहुत टाइम तक बहुत महीनों तक ऐसे ही लटका के रखेंगे। तो इसीलिए आप बहुत ही, अगर आप वेट कर रहे हैं इनका और उस कारण आपने अपनी ज़िंदगी को रोक के रखा हुआ है, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा माइंडफुल हो के अपने लिए सोचें कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या इंतज़ार करना सही है या इंतज़ार करना गलत है। यहाँ पे मुझे उनकी लाइफ में एक कोई पर्सन दिख रहा है, और ये पर्सन या तो उनका कोई एक्स हो सकता है या उनका करंट पार्टनर हो सकता है, कोई उनकी लाइफ में है जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, और वो अपने सारे डिसीजंस उस इंसान से पूछ के और डिस्कस करके लेते हैं। तो एक ये भी रीज़न है कि वो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या उनकी फैमिली भी हो सकती है या उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो उनको सिखा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो उनके इन्फ्लुएंस में आके आपको कैसे ट्रीट करना है या आपके साथ में रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है, वो डिसीज़न ले रहे हैं। यहाँ पे मून है, तो ये भी चीज़ें हैं कि इन्होंने आपसे काफ़ी चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं, और एग्जैक्टली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। और मुझे मून से ऐसा भी समझ में आ रहा है कि लाइफ में बहुत ही इल्यूजन्स में हैं, मतलब इनको इनको रिलेशनशिप चाहिए, पर अपने फ़ायदे के लिए चाहिए। अगर ये किसी के साथ रहना चाहते हैं तो अपने फ़ायदे के लिए रहना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल भी अनकंडीशनल लव में ऐसा लगता है मुझे कि बिलीव नहीं रखते हैं, और इसीलिए इनकी लाइफ में बड़े सारे इल्यूजन्स हैं रिलेशनशिप पार्टनरशिप को लेके। तो ये प्रोबेबली वहीं जाएंगे जहाँ पे इनको ज़्यादा अपना फ़ायदा दिखेगा। तो अगर उन्हें आपकी जगह पे कोई और ऐसा इंसान मिलता है जहाँ उन्हें लगता है कि मेरा यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो ये उधर चले जाएंगे। सो या वी ऑल्सो हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन आपको इनकी लाइफ से निकालना चाहते हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जो अभी जो कार्ड्स आए हैं उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप से कट ऑफ करना चाहते हैं टोटली। तो अगर आप वेट कर रहे हैं तो अभी फ़िलहाल की जो इनकी करंट की एनर्जी है वो ऐसी एनर्जी है कि वो आपके साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हैं।
और यहाँ पे ऑलरेडी किसी से तो बहुत ही इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, जिससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे इनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ वो रिलेशनशिप में रहेंगे के तो उनका कोई भी लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं है, या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा भी लगता हो कि अगर आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे तो आपसे शादी नहीं कर पाएंगे फैमिली रीजंस की वजह से। तो इसीलिए जो ये आउटसाइड इन्फ्लुएंस का कार्ड है, ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इनको बोला हो कि नहीं हो सकती आपकी और इनकी शादी, तो इसीलिए ये आपको कट ऑफ करना चाहते हैं या फिर आपसे पीछे हटना चाहते हैं। और यहाँ पे लग रहा है मुझे ये इस रिलेशनशिप से सेटिस्फाइड भी नहीं थे, फुलफिल्ड भी नहीं थे, क्योंकि इनका जो पर्सनल मोटिव था वो अचीव इस रिलेशनशिप में नहीं हो रहा था, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। सो गाइस, ग्रुप वन, मुझे नहीं लग रहा है कि आपको इनका वेट करना चाहिए, बट हम आगे के कार्ड्स देखते हैं। इनको ये भी लगा था रिलेशनशिप में एक पॉइंट पे कि ये आपके साथ बस रह के टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। सो या सो फैमिली का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो सकता है, या फिर इनकी एक्स का, या फिर इनके कोई जो परमानेंट पार्टनर हैं उनका। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या है लाइफ में, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, और आपकी लाइफ कहाँ जा रही है और ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी और क्लैरिटी की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे सरप्राइजिंगली मुझे ये आपकी तरफ जो सोच रहे हैं एनर्जीज, वो सारी नेगेटिव है। अब ये शायद बहुत सेल्फिश इंसान है, या मुझे नहीं पता कि कौन इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। आई कॉन्ट बिलीव यहाँ पे हैंगमैन 2 बार आया है। सो गाइज, अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो आपको बहुत टाइम तक लाइफ में स्टक रहना पड़ेगा, तो आप प्लीज़ बहुत ही सोच समझ के अपने डिसीजंस को लीजिए। यहाँ पे वी ऑल्सो हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, तो ये मुझे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में लग रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी एनर्जी में है ना, जो किंग ऑफ सॉर्ड्स होता है ना, वो थोड़ा लॉजिकल इंसान होता है, वो दिमाग से ज़्यादा सोचता है, दिल से कम सोचता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये दिमाग से सोचते हैं कि क्या करना इनके लिए अच्छा रहेगा, क्या करना इनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में नहीं है, हालांकि जो इनकी लाइफ में है, जैसे इनकी मदर हो सकती है, ये बहुत ही इमोशनल है इनको लेके, और ये बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं इनको, या फिर इनकी कोई फ्रेंड हो सकती है, या उन कोई मेल फ्रेंड हो सकता है, फीमेल फ्रेंड हो सकता है, या फिर इनके कोई पार्टनर अभी के हो सकते हैं, या कोई एक्स हो सकता है, जो इनको बहुत ही इन्फ्लुएंस करता है। और ये भी एकदम एकदम दिमाग से सोच रहे हैं ग्रुप वन, ये दिल से नहीं सोचते हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। वी ऑल्सो हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वाओ, यहाँ पे मुझे मल्टीपल लोग दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनकी लाइफ में कोई ना कोई तो है, तो ये लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनकी लाइफ में, ये जो भी है। अब मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत सारे लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी शादी में हैं यहाँ पे, और ऑलरेडी अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही फन कर रहे हैं, तो उन्हें आपकी ज़रूरत यहाँ पे महसूस नहीं हो रही है। तो आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं और उधर वो लाइफ में मज़े कर रहे हैं, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट कि आपको क्या करना है। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है ग्रुप वन, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दो दो ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, पर आप वो ऑप्शंस देखना नहीं चाहते हैं, बिकॉज़ आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं। और अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि वो लाइफ में अकेले रह जाएंगे जस्ट बिकॉज़ ये पर्सन नहीं है उनके पास, या ये पर्सन लौट के नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पास ऑप्शंस आएंगे, पर आपको इस एनर्जी में से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का, तो आपको बहुत टाइम तक वेट करना पड़ेगा, और ये आएंगे या नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर आप इनसे मूव ऑन करेंगे और पुरानी एनर्जी से निकलेंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में जो एक सूटेबल पार्टनर है, जो एक्चुअली आपका सोलमेट है, जो एक्चुअली आपका ट्विन फ्लेम है, आपकी लाइफ में तभी एंटर कर पाएगा जब आप इस पर्सन की मेमोरीज़ को अपनी लाइफ से निकालेंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे ग्रुप वन, ठीक है। वी ऑल्सो हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आपके हाथ में है, आप चाहें तो अपनी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ की पूरी एनर्जीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन ने डिसीजन लेने के लिए आपको दिया हुआ है, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन कभी भी नहीं आ सकता, बट अभी मुझे नियर फ्यूचर में ये किसी और जगह पे स्टक दिख रहा है, किसी और रिलेशनशिप पे स्टक दिख रहा है ये पर्सन,
और मुझे कोई चांसेस नहीं दिख रहे इनके आपकी लाइफ में आने के। तो रिकन्सिलिएशन यहाँ पे इस हफ्ते मैं नहीं बोलूँगी कि मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, क्योंकि मुझे एनर्जीज बिल्कुल ही अपोजिट दिख रही हैं। गाइज दिस पर्सन इज़ हैप्पी विथ अदर पीपल, ठीक है, तो ये खुश हैं जहाँ हैं। तो आपको मैं फिर से बोलूँगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, वो चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है, और आपको अपनी लाइफ को कैसे अच्छा बनाना है। मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए कि आप देखिए, अगर आप इनका वेट कर रहे हैं ना, तो चलिए आप वेट कर लीजिए, बट उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में लाइफ को पॉज मत करिए। आपको जो अचीव करना है, आपको खुश रहना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है, आप वो सारी चीज़ें करिए ना। तो इनको आना होगा अगर फ्यूचर में, तो तब आप डिसाइड कर लेना कि आपको इनके साथ रहना है या नहीं रहना है, या जो भी उस समय के हिसाब से रहेगा। पर इनके कारण, इनकी बुरी मेमोरीज़ में रह के पूरे टाइम यही सोच के कि ये पर्सन आएगा, ये पर्सन नहीं आएगा, आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं फिर से बोलूँगी कि सोचने की ज़रूरत है। वी हैव फोकस, तो आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि आपको लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करना है और किस डायरेक्शन में फोकस करना है। जिस डायरेक्शन में फोकस करेंगे वही चीज़ आपको मिलेगी। अगर आप अच्छी, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में अच्छे लोग दिख रहे हैं, बट आप उनको नोटिस तक नहीं कर रहे हैं। तो ये फोकस आपको कहाँ रखना है, ये आपके ऊपर है, ये डिवाइन मैसेज है कि आप जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वही चीज़ आपकी लाइफ में ग्रो होगी। अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे, बुरी मेमोरीज पे फोकस करेंगे, या आपका ध्यान सिर्फ इसी पर्सन पे रहेगा, तो यहाँ पे चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। वी ऑल्सो हैव ट्रांसफॉर्मेशन, सो कैन यू इमेजिन, ये इतना प्यारा कार्ड है ना। और ये कार्ड तब आता है जब आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके होते हैं, और फाइनली एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसा समय आता है कि वो जो लेसन्स होते हैं, जो आपने सीखा होता है, आपने अकेले जो स्ट्रगल किया होता है, वो चीज़ आपको इतनी स्ट्रॉन्ग बनाती है और इतना आपको स्ट्रेंथ दे देती है, करेज दे देती है, कि अब आप लाइफ में कुछ भी अकेले खुद के पैरों पे स्टैंड करके अचीव कर सकते हैं। तो आप बदल रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं लाइफ में अच्छी चीज़ों के लिए और अच्छे रिलेशनशिप के लिए। ओके, वी ऑल्सो हैव स्टिलनेस, थोड़ा सा अपने दिमाग को आराम दीजिए। ये अगर आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने दिमाग को आराम देने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं, और एक और मैसेज है कि आप अगर बहुत जल्दी कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं कि मैं कल ही फ़ोन कर देता हूँ या कर देती हूँ और पूछ लेती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आपको कोई भी सडन डिसीज़न अभी लाइफ में नहीं लेना है। ग्रुप वन आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, जब आप डिसाइड करेंगे उसी समय आना शुरू हो जाएंगी, वो ब्लेसिंग्स आपको दिखना शुरू हो जाएंगी। वो ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, बट अभी आपको दिख नहीं रही है, ठीक है। सो जब आप इस पर्सन पे से ध्यान थोड़ा हटा के आसपास देखेंगे अपने, तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिखेगी। यहाँ पे कार्ड है एंजॉय योर एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिकनेस, तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, आप स्पेशल हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करिए और उस चीज़ को एंजॉय करिए और खुश रहिए लाइफ में। ये डिवाइन मैसेज है आपके लिए बहुत बड़ा, ठीक है। वी ऑल्सो हैव, यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, आप जितना रियलाइज़ कर रहे हो उससे ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस है। तो यहाँ अगर आपको लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस नहीं है, तो डिवाइन की साइड से आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वी ऑल्सो हैव टाइम फॉर लव फीस्ट, तो यहाँ पे बहुत प्यारा मैसेज है कि आपको जिनके साथ रहना पसंद है, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, या अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है, जो लोग आपकी केयर करते हैं और जो लोग आपको स्पेशल समझते हैं, ये वक्त है कि उनके साथ आप एक अच्छा वक्त बिताएं, उनको प्यार दे, उनसे प्यार लें। मतलब ये वो टाइम है कि आप रियलाइज़ करें कि आपके आसपास कितनी सारी ब्लेसिंग्स हैं,
ठीक है ग्रुप वन, क्योंकि रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता है ना लाइफ में, रिलेशनशिप एक लाइफ का पार्ट होता है, पूरा रिलेशनशिप पूरी लाइफ आपका नहीं होता है, रिलेशनशिप वो एक पार्ट है। तो अगर एक पार्ट खराब चल रहा है तो क्या कौन से पार्ट अच्छे चल रहे हैं उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे एंजल आंसर्स जो मैंने आपको डेक के बारे में बात किया था वहाँ इसके मैसेज हैं, कॉम्प्रोमाइज़, तो या आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ करना पड़ेगा, और ये असल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये असल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये आपके लिए अच्छा ही होगा अगर आप ये चीज़ नहीं करेंगे। तो वी ऑल्सो हैव, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस, आई जस्ट वॉन्ट टू ग्रैब सम वाटर। ओके, सो वी ऑल्सो हैव बी असर्टिव, आप भगवान को यूनिवर्स को बताएं कि आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली बताएं, आप जैसा इंसान बोलेंगे वैसा इंसान आपकी लाइफ में आ जाएगा, बट आपको यूनिवर्स, इस इंसान को छोड़ के आपको यूनिवर्स को बताने की ज़रूरत है कि आप क्या चाहते हैं। वी ऑल्सो हैव, देर इज़ समथिंग बेटर, कुछ बेहतर है आपके लिए, ये जिसके लिए आप अटके हैं ना उससे ज़्यादा बेहतर कुछ है आपके लिए। तो अगर और अच्छा ऑप्शन है तो इस वाले ऑप्शन में अटक के रहने का कोई मतलब ही नहीं है। यू ऑल्सो हैव नो नीड टू वरी, आपको किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी इस पर्सन के ना रहने से, तो आपको यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। यू ऑल्सो हैव लेट गो, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है इस पर्सन को, और जो बुरी मेमोरीज़ हैं, जो नेगेटिविटी है, उन सबको हटाने की ज़रूरत है। यू ऑल्सो हैव अ नो, तो या इट्स, मुझे फर्स्ट कार्ड देख के ही पता था कि ये नो है, और ये आपके लिए ठीक नहीं है। मतलब अगर आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं लाइफ में, तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता है कि यहाँ पे आपको उस इंसान में अटक के रहने की ज़रूरत है जो आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है ग्रुप वन, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हम ये रीडिंग हर वीक करेंगे, तो आई विल डू अनदर एनर्जी चेक इन नेक्स्ट संडे, तो देखते हैं उसमें क्या होता है, बट अभी तो इट्स नो। ठीक है, ध्यान रखिए अपना, प्लीज़, दिस इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, एक इंसान के चले जाने से दुनिया ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, वेलकम माई डियर ग्रुप टू, सो लेट्स सी। ग्रुप टू, पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही डिमांड में रहते हैं, काफ़ी सारे लोग उनको पसंद करते हैं, तो कुछ क्वालिटीज़ तो उनमें हैं जो बहुत अच्छी है, शायद इसीलिए उन्हें इतने लोग पसंद करते हैं। सो अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी पेनफुल एनर्जीज से गुजर रहे हैं, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में पास्ट में कुछ एंड भी हुआ है ऑब्वियसली, तभी आपकी बात बंद हुई है, और किसी ने ब्रेकअप किया है, बट बहुत ही ऊपरी मन से किया है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके यहाँ पे, ये काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। अब हो सकता है कि आप उनकी लाइफ में नहीं रहे इसीलिए सफ़र कर रहे हो, या फिर अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आपको उनकी लाइफ में होना चाहिए, तो काफ़ी पेनफुल एनर्जी से गुजर रहे हैं। यहाँ पे वो आगे देख भी रहे हैं, इंतज़ार भी कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी, तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव साइन कि आपके पर्सन अभी भी चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, बट उन्हें पता नहीं है कि उन्हें कैसे आना है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों के बीच में अट्रैक्शन भी काफ़ी था, आप लोगों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी, और यहाँ पे वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे दो दो पेजेस हैं, तो ये एनर्जी साफ साफ हमें बता रही है कि यहाँ पे कुछ नए तरीके से वो कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, आपसे बात करना चाहते हैं, बट कोई चीज़ है जो उन्हें रोक रही है। और मुझे यहाँ पे 10 of Cups दिख रहा है, तो यहाँ पे आपके साथ वो कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, इट्स नॉट इवन अबाउट एनीथिंग शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म आपके साथ एक अच्छी हैप्पी लाइफ चाहते हैं।
ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को कुछ बोला है और आप लोगों के कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट हुए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, या फिर एनर्जीज़ आर इंटरचेंजेबल, तो हो सकता है आपकी एनर्जीज़ हो, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी को कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा हर्टफुल बोला है और उसके बाद आपके पर्सन को इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हों, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो उसकी वजह से। इनकी लाइफ में मुझे कोई थर्ड पर्सन नहीं दिख रहा है, थर्ड पर्सन एज इन कि हो सकता है कोई फ्रेंड हो, फैमिली हो बीच में, या कोई एक्स हो, तो उसकी वजह से यहाँ पे मुझे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं जो आप लोगों के बीच में पास्ट में हुए हैं। ओके, यहाँ पे एक और पेज है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप की बहुत ही जल्दी एक शुरुआत होने वाली है, बिकॉज़ ये जो कार्ड्स हैं ये आपके कॉमन रिलेशनशिप के कार्ड्स हैं, और ये जो पहले हमने एनर्जीज देखी थी ये आपके पर्सन की एनर्जी है। यहाँ पे आप मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, शायद उनका ईगो बीच में आ गया है या फिर कुछ तो रीज़न है। बट यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी बात दिख रही है कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग मतलब जितना आप चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो उतना ही ये भी चाहते हैं, बट ये किसी चीज़ से डर रहे हैं। अब वो चीज़ क्या है, लेट्स सी। यहाँ पे मुझे एम्परर की एनर्जी में आप दोनों में से कोई एक दिख रहा है, मतलब दिख रहा है कि फ्यूचर में ये बहुत ही स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, एक ग्रोथ आने वाला है दोनों के रिलेशनशिप में। बट यहाँ पे क्योंकि 3 of Wands से, तो हो सकता है कि आपको वेट करना पड़ेगा और काफ़ी वेट करना पड़ेगा। हो सकता है कि लाइफ में ये किसी और चीज़ में अटके हों, हो सकता है आपने करियर पे फोकस कर रहे हों, या जो आप लोगों के साथ पास्ट में हुआ है उससे हील कर रहे हों, या फिर हो सकता है कि आपके पहले जो रिलेशनशिप है उससे हील कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप दोनों के बीच में इनकी एक्स या कोई और बार बार बीच में आ जाता था जिसकी वजह से भी आपके झगड़े होते थे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर ये अपने एक्स के चक्कर में पड़े हुए थे तो उनसे ये निकले। यहाँ पे वी ऑल्सो हैव स्ट्रेंथ, तो अभी आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, और अभी आपको सी आई कैन सी कि मैं अगर दूर तक देखती हूँ तो मुझे एनर्जीज अच्छी दिखती हैं, बट मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे एनर्जीज पेनफुल दिख रही हैं। तो अगर आप पेनफुल एनर्जी में हो तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बट मैं खुश हूँ क्योंकि विथ टाइम अगर आप दोनों एफर्ट्स लगाएंगे तो ये चीज़ें अच्छी होंगी। यहाँ पर मुझे बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ही जल्दी जिस चीज़ में भी पड़े हुए हैं उससे निकल के आपको कोई ऑफ़र, यहाँ पे छोटा सा ऑफ़र देंगे, छोटी सी शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सीधे आके के आपसे बोल दें कि चलिए वापस से रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर आपको कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें। ये धीरे से शुरू करेंगे, हो सकता है कि एक नॉर्मली आपको फ़ोन करें या नॉर्मली आपसे बात करें, और उस दौरान आपको नहीं बताएं कि ये वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ये धीरे धीरे करके शुरू करेंगे, लाइक वन स्टेप एट ए टाइम। तो इनकी साइड से मुझे एनर्जीज दिख रही है, यहाँ आपको अभी हिम्मत रखने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और स्टैग्नेशन है आपके पार्ट पे, थोड़ा और आपको रुकने की ज़रूरत है, और लाइफ में आपको वहाँ कहीं और फोकस करने की ज़रूरत है जिससे कि आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सके इस कनेक्शन के लिए। ये आप दोनों को करने की ज़रूरत है, मतलब अगर आप में ऐसे कोई प्रॉब्लम्स थी जो उनको ट्रिगर करती थी तो आपको वो अपने अंदर ठीक करना है, उनमें जो प्रॉब्लम थी वो आपको ट्रिगर करती थी तो उन्हें वो चीज़ ठीक करना है। तो यहाँ पे आप दोनों को अपनी लाइफ पे अलग अलग काम करने की ज़रूरत है जिससे कि जब आप लोग एक साथ में आए तो एक पावर कपल बन सके, एक अच्छा रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी के साथ में स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सके। यहाँ पे द वर्ल्ड है, तो एक साइकिल फॉर श्योर ख़त्म हो रही है, और मेरे ख्याल से एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल आप दोनों के बीच की ख़त्म हो रही है, और ये जब टॉक्सिक साइकिल ख़त्म होगी तो ही एक नई शुरुआत हो पाएगी। तो यहाँ पे आज मुझे द वर्ल्ड कार्ड बहुत ही अच्छी एनर्जी में दिख रहा है। ये वर्ल्ड कार्ड आपकी लाइफ में फ्रीडम लेके आएगा, मतलब नेगेटिविटी सब इरेज करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि ना आपको सबसे पहले तो अगर आप लोगों में कुछ झगड़ा हुआ है तो आपको भी उनको माफ़ करने की ज़रूरत है। तो अगर उनका कॉल आता है और आप अपने अलग ईगो में बात करते, वो अपने ईगो में बात करते, तो ये चीज़ होनी मुश्किल हो जाएगी। तो अननेसेसरी आप इसको डिफ़िकल्ट मत करिएगा,
यहाँ पे जो भी कुछ पास्ट का हुआ है उसको भूल जाइए। और एक और यहाँ पे चीज़ है कि आप उनसे क्या चाहते हैं, आप रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहते हैं, वो उन्हें क्लियरली खुल के बताएं। और एक डिवाइन के साइड से यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है ग्रुप वन कि आपको अपनी लाइफ में ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको रिलेशनशिप को, अपनी फीलिंग्स को, एक पर्सन को अपने लाइफ का एक पार्ट रखना है, अपनी पूरी ज़िंदगी उस पर्सन को नहीं बनाना है। ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैसेज है कि आपको लाइफ में अपने दूसरे पार्ट पे भी फोकस करने की ज़रूरत है। ये मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे बात करने आएंगे, बहुत ही कोई यहाँ पे चिंता की बात नहीं है, अच्छी रीडिंग है आपकी, आपके लिए परेशान हो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, उनको भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके लिए सही इंसान हो। बट मीनवाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप खुद पे फोकस करें, अपने करियर पे फोकस करें, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस करें और खुद को एक बेहतर इंसान बनाएं। और अगर आप में आपके कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं तो उनको आप ख़त्म करें। ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैसेज है आपके लिए, ठीक है। वाह, आपकी रीडिंग बड़ी शॉर्ट है क्योंकि बहुत ही क्लियर रीडिंग है आपकी। वी हैव द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस, तो खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, पेशेंस रखिए। ओके, देखिए अगर आपको अभी दिख नहीं रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वो कब आएंगे आपके पास, कब नहीं आएंगे, तो अगेन आपको यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको 1-2 हफ्ते में या फिर हो सकता है अगले हफ्ते या कुछ दिनों में ये रीडिंग हम फिर से करेंगे नेक्स्ट संडे, तो तब और हमें एनर्जीज क्लियर होंगी। बट तब तक आपको खुद पे फोकस करना है। चैरियट दिख रहा है आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, 6 ऑफ कप्स है, तो यस आपको बाहर भी ले जाना चाहते हैं, बट यहाँ पे कोई चीज़ उनको रोक रही है, तो वो जहाँ भी फंसे हुए हैं उनको वो चीज़ निपटा लेने दीजिए, उनको अपना काम कर लेने दीजिए और तब तक आप खुद की लाइफ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स भी इस रिलेशनशिप को वापस से ठीक करने में आपकी हेल्प करें, या फिर हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स हेल्प करें उनकी आप तक पहुँचने में। या तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे वी ऑल्सो हैव इनर पीस, तो मन की शांति को बनाए रखिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आपको थोड़ा काम रहना है, अभी लाइफ में रिलैक्स रहना है और पॉजिटिव थॉट्स आपको रखने की ज़रूरत है अपने दिमाग में, ठीक है। तो नेगेटिविटी की तरफ मत जाइए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए। एंड वी ऑल्सो हैव हीलिंग कियोस, तो आपको जो भी पास्ट में आप दोनों के जो पास्ट साइकिल थी, एक पास्ट फेस था रिलेशनशिप का, उसमें जो कुछ भी हुआ है उसे आपको हील करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ग्रुप 2, तो सबसे पहले तो हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उस इंसान को माफ़ कर दें, उसके बाद आप उस इंसान की पॉजिटिविटी को देखें कि उनमें क्या अच्छी चीज़ें थी, ना कि सिर्फ आप नेगेटिविटी को याद रखें। तीसरी चीज़ है कि अगर आप उन्हें याद भी करते हैं, आपके दिमाग में कुछ मेमोरीज भी होती है, तो पॉजिटिव मेमोरीज को होल्ड करके रखिए, उन्होंने जो अच्छा किया है आपके लिए उसको होल्ड करके रखिए, ना कि आप उनके गलत पार्ट को होल्ड करके रखें। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। मेडिटेशन करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में जाएंगे, आपको लाइफ में भी क्लैरिटी मिलेगी, आप लाइफ में आगे भी बढ़ पाएंगे, डिवाइन के जो आंसर्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे, एक रास्ता भी दिखेगा। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपको हील करना है तो आपको मेडिटेशन भी करने की ज़रूरत है। ग्रुप 2 यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, आप 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, जितने भी देर करना है, पर यहाँ पे द मैसेज इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी ये रिकन्सिलिएशन में, या जो भी ये आपकी जो अच्छी चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, ताकि आगे जाके कुछ चीज़ें खराब ना हो। तो यहाँ पे मेडिटेशन करिए, अंदर से खुद को, अपने माइंड बॉडी और सोल को आपको प्योरीफाई करना है, वापस से न्यूनेस में आना है, नई एनर्जीज में आना है। वैसी एनर्जी होती है ना जब नया नया किसी को देख के फील होने लगता है, तो आपको उस एनर्जी में आना है। यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, यू आर डेस्टिन्ड फॉर द ग्रेटनेस ऑन द विंग्स ऑफ लव, तो आप बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए बने हैं और आपके जो पर्सन है वो बहुत ही हेल्प करेंगे लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। और ऑल्सो आपको लव वाइब्रेशन में रहना है, ये भी एक मैसेज है।
थिंग्स आर नॉट एज दे अपेयर, येस। तो अगर ये आपको दिखा रहे हैं बहुत ही टफ एनर्जीज कि मुझे बात नहीं करनी है, मेरा मन नहीं है, या फिर अब मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, तो जैसा ये दिखा रहे हैं वैसा नहीं है। ये खुद भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके बिना खुश हैं, तो ऐसा नहीं है। चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है ग्रुप 2, ये आप ध्यान में रखिए। तो अगर आप ये सोच के परेशान होते हैं, तो आपको यहाँ पे डिवाइन मैसेज है कि परेशान होने की ग्रुप 2 बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वी ऑल्सो हैव कर्मा इज़ ऑन योर साइड। तो अगर आपको बहुत बार ऐसा लगता है कि आप सबके लिए अच्छा करते हैं और आपके साथ अच्छा नहीं होता है, तो दिस इज़ द टाइम कि आपने इस पर्सन के साथ जो भी अच्छा किया है, या फिर लाइफ में ओवरऑल जो भी अच्छा किया है, वो सारा रिपे होने वाला है। आपके जो अच्छे कर्माज हैं उसका जो भी फल है वो अब आपको मिलने वाला है। यहाँ पे 10 of Cups हैं, तो ये बहुत ही जल्दी लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी और हैप्पी फैमिली और खुशियाँ आती हुई मुझे दिख रही हैं। तो कर्मा इज़ ऑन योर साइड। फिर से बोलूँगी कि कुछ भी नेगेटिविटी मैं आपको नहीं पढ़ना है। अब आफ्टर ऑल दिस रीडिंग आंसर इज़ वेरी क्लियर, द आंसर इज़ येस। बट देन वी ऑल्सो हैव अ कार्ड ऑफ येस, जो मैंने आपको डेक बताया था। तो रिकन्सिलिएशन होगा, तो येस, अभी एनर्जीज जो हैं और अभी जैसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल 100% दिस इज़ अ येस। ओके, सो वी ऑल्सो हैव अ परफेक्ट टाइमिंग। सो ये परफेक्ट टाइमिंग है और परफेक्ट टाइमिंग पे ये चीज़ें होंगी। तो आपको यहाँ पे अगेन डिवाइन टाइमिंग का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो जब रेडी होंगे, आप जब रेडी होंगे, और जब दोनों की सिचुएशन एक जैसी होगी, तब ये आपकी लाइफ पे वापस आएंगे। ठीक है, तो आपको जो परफेक्ट टाइमिंग है उसका वेट करना है। और परफेक्ट टाइमिंग इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम और एंड विद इन फ्यू डेज और वीक्स और मंथ ये चीज़ होने वाली है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस। कम्युनिकेट क्लियरली। वाओ, मैंने आपको बोला था ना ये चीज़ कि आप एक रिलेशनशिप में क्या चाहते हैं अपने पर्सन से, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप क्या फील करना चाहते हैं, उन्हें क्लियरली बताइए। क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। अब क्या होता है ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स की शुरुआत कैसे होती है, अगर आपको अपने पर्सन की कोई बात बुरी लग रही है, तो आप हम अक्सर ये करते हैं कि हम उन्हें बताते नहीं हैं। ठीक है, वो बात हम मन में रखते हैं, हमें बुरी लगती है, बुरी लगती है, बुरी लगती है, और मन में ही वो बात और ज़्यादा बड़ी होती जाती है। फिर वो कुछ और करते हैं, फिर वो एडअप हो जाता है। तो अगर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई बिहेवियर है आपके पर्सन का जो आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन्हें उसी समय आराम से बता सकते हैं कि वो ऐसा ना किया करें, क्योंकि ऐसा करने से आपको हर्ट होता है। तो अगर आप वेरी फर्स्ट टाइम उन्हें बहुत ही प्यार से ग्रेसफुली कम्युनिकेट करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन से आगे जो भी झगड़ा है वो आपका पूरे तरीके से बच सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे असर्टिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ में, कि जब भी ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस होते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में पनपने लगती है, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप मन में आपकी क्या चल रहा है, अगर कुछ नेगेटिव चल रहा है तो वो भी उन्हें बताएं। कि अगर आपको कोई डाउट भी है, अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है और वो आपको बता नहीं रहे हैं, तो आप उनसे जाके पूछिए कि क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे बिहेव करेंगे किसी भी रिलेशनशिप में, तो जो अननेसेसरी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो नहीं आएंगे। ओके, एंड सक्सेस। तो यस, इस रिलेशनशिप में सक्सेस होने वाली है। हमारे पास सक्सेस का कार्ड है, हमारे पास येस है, और वाओ, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल एंड क्यूट रीडिंग। सो पेशेंस रखिए, अच्छे वाइब्रेशंस में रखिए रहिए, अच्छा सोचिए, माफ़ कर दीजिए, खुद को हील करिए। एंड ग्रुप 2 मेडिटेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, और टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। बाय।